मेरी कामयाबी के बारे में मैं थोड़ी बताऊंगा, आप लोग बताएंगे आपको गाना कैसा लगा और बाकी ऑडियंस बताएगी उनको गाना कैसा लगा। अगर गाना सबको अच्छा लगा तो वो मेरी कामयाबी है, उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। कामयाबी कैसे, इसमें कुछ एक लाइन है कि गिरा ज़मीन पर मैं फिर खड़ा हुआ, हाँ अपनी सोच से ही आज मैं बड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस जर्नी में, 5 साल की जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत लोगों ने गिराने की कोशिश की, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया। 90% तो मतलब कोशिश किया कि तो वो सबसे लड़के आगे बढ़ना, बिना रुके बढ़ते जाना, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना, सक्सेस की ओर चढ़ते जाना, उसको कामयाबी बोलता है। ठीक, हम स्टिल स्ट्रगलिंग, इवन कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो वो अपने लेवल पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अगर वो 100 करोड़ कमा रहे हैं तो उनका नेक्स्ट टारगेट 500 करोड़ कमाने का होता है, तो वो भी एक स्ट्रगल है। तो पहले मैं मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, एक टाइम पे मैं 2 अंडे सुबह 2 अंडे शाम को खा के गुजारा करता था। आज थोड़ा 5 स्टार में खाने लगे हैं, तो अब स्ट्रगल है 7 स्टार का। तो 7 स्टार के तो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। बाकी चित्रा यहाँ पे है, मैं बड़ा खुश हूँ इसको देख के, शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर। और हम 5 साल पहले की बात करें तो तब गुमनामी में थे तो ये, और हमने साथ में टाइम स्पेंड काफ़ी किया है, तो इसको भी पता है वो स्ट्रगल टाइम, मुझे भी पता है इसका स्ट्रगल टाइम, तो ये भी बहुत अच्छा कर रही है अभी। थैंक यू, लाइक हम लोग काफी पुराने दोस्त हैं, आ जाओ कुछ बोल लो। तो दानिश, अगर ये कामयाबी गाने के बारे में हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है ये गाना। आप ना मेरी बैंड बजाते हो हर एक गाना हर किसी की रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है, ज़रूरी नहीं है मेरी ये है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स डाल दी है और कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ तीर बराबर निशाने पे आपने मारना। मैं फ़िलहाल तो इधर गोली मारने वाला हूँ। तो मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि आर्टिस्ट जो एक राइटर होता है, जैसे कि मैं जब लिखता हूँ तो मैं किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेता हूँ, भले ही वो खुद से लूँ भले ही वो किसी और से लूँ, तो तभी एक अच्छा थॉट आता है, तभी एक रियलिटी और कनेक्टिविटी बनती है। और जब अगर मेरे कंटेंट से आप रिलेट नहीं कर पाए तो मैंने कंटेंट अच्छा लिखा ही नहीं है, फिर कुछ किया ही नहीं मैंने। तो मैं ट्राई करता हूँ मेरा कंटेंट रिलेटेबल हो, लोगों की लाइफ से कनेक्ट करे, या मेरी लाइफ से या किसी भी की भी लाइफ से कनेक्ट करे, तो वो मेरा एक टारगेट होता है। How was you working with Naira Banerjee and वो तो अभी फिलहाल खतरों के खिलाड़ी में, what was the comfort level? मैं यही सोच रहा था कि आई एम मिसिंग हर। यहाँ पे सब ने बहुत बहुत मेहनत की है इस गाने में, मेरे डायरेक्टर साहब हमारे अक्षय के अग्रवाल दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं वो शायद अभी शायद बाहर पहुँचे, तो सबका एक अहम योगदान रहा है, डायरेक्टर से लेके को एक्ट्रेस से तक, म्यूज़िक से लेके बाकी सिंगर कंपोज़र लिरिक्स तो मैंने किया है, एंड मतलब पूरी टीम ने बहुत अच्छा किया है। मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे विक्की जैन है और धमाका रिकॉर्ड्स में अपने पारस भाई हैं, प्रियांक भाई हैं, तो ये सब लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है इस प्रोजेक्ट में। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नायरा से कनेक्ट कर पाए, अगर नायरा ने फ़ोन उठाया तो हम लोग उससे वीडियो कॉल पे ज़रूर बात करें। नायरा और मेरी डेली बात हो रही है फिलहाल, और शी इज़ वेरी एक्साइटेड सीरियसली, एंड उसने बोला कि मैं मिस कर रही हूँ ये सब चीज़ें, बट वो वहाँ पे अपना शूट में बिजी भी है साथ साथ, तो तब तक आप इनसे क्वेश्चन करो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो पिक कर ले। So, how was it? Have you seen the song? Yeah. So, you know, I know him from long time, you know. So, दानिश और मैं जब मिले थे तो लाइक हम बहुत रैंडम मिले थे, मुझे दानिश की मूवी का गाना गाना था, सो लकीली और बैड लक वो नहीं आया, बट दैट सॉन्ग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। या कॉल कनेक्ट हो गया या प्लीज कंग्रेचुलेशंस। सी अभी वो बच्चा होगा जो पीछे बैठा होता है जिसका रिजल्ट आने वाला है, योर रिएक्शन टू हिम? जो कामयाबी मैं पोस्टर देख के, कि भाई की कामयाबी देख के बहुत खुशी होती है। बेसिकली हम आज से तकरीबन
तीन साल चार साल पहले हमारी मुलाकात, पाँच साल पहले, और उसके बाद फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, कभी प्रोजेक्ट्स किए या काफ़ी कुछ किया साथ में बट मिल नहीं पाए। बट आज वो घड़ी आई है कि जब मिलना, यू नो, ऊपर वाले ने करार किया हमारा और हम मिले हैं। और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वीडियो का, मैं देखता हूँ कि बहुत बहुत काफ़ी आर्टिस्ट के मैंने वीडियोस देखे हैं बट भाई कुछ यूनिक कंसेप्ट ला रहे हैं और उसके लिए बहुत खुशी है। कामयाबी जो है, मैं यही दिल से दुआ करता हूँ कि इस कामयाबी से शुरू होकर भाई और बुलंदियों तक जाए और ज़िंदगी में और भी कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच। अभी हमने लास्ट सॉन्ग एक्स किया था साथ में, एक्स अगर आप जानते हो, उसमें RCR ने रैप लिखा था, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रैंड गाना वो हमने साथ में किया था। एक गाना हम लोग और करने वाले हैं साथ में, वो बहुत जल्दी हम शूट करने वाले हैं। एंड RCR ऑलरेडी यार अपने आप में एक अच्छा नाम है, ब्रांड है, तो ऑलरेडी वो अपने अच्छे काम कर ही रहा है, तो हम लोग अक्सर बिजी होते हैं। आप लोग करो बात जी, आंखें दिखाइए ना। जी जी, आंखें देख लीजिएगा। हाँ जी, नहीं देखिए देखिए, दानिश तो हमेशा ही आग लगाता है। अभी उसके भी बैक टू बैक पूरा एल्बम आपने देखा होगा, सारा एकदम फाड़ू। एंड ऑब्वियसली दिस सॉन्ग इज आल्सो अमेजिंग, बहुत अच्छा है। जैसे ये कामयाबी ऐसे और कामयाब होते रहे। यार खामियां अगर मैं किसी में ढूंढने जाऊं तो मेरे में खुद में बहुत है, और जो अच्छी चीज़ ये है कि हम्बल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और अच्छे से बात करता है सबसे, और एक दिल में अच्छाई जो है वो लेके चलता है। तो यही एक अच्छे इंसान में खूबियां होनी चाहिए जो कि चेहरे से भी झलकती है, मासूमियत। और बस यही है कि खामी कोई नहीं है, खामियां तो मुझ में ही है, जो भी किसी में तो मुझे नहीं दिखती। या देखो, खामियां अगर ना हो तो वो इंसान ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। अगर खामियां ना हो, खामियां होती हैं तभी वो सीखता है। अगर उसके अंदर सब कुछ है तो वो अपने आप को भगवान मान लेगा। सही बात है। तो खामियां होनी चाहिए यार किसी के अंदर, फिर भगवान भी फिर बता देता मैं भगवान, फिर उसके ऊपर पड़ती भी है। और सच में RCR को मैंने बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है स्टार्टिंग से। 5 साल पहले अगर हम देखें, जितने भी लोग यहाँ पे आए आपने देखा ही होगा, सब पुराने फ्रेंड्स हैं, और हम लोगों ने वो स्ट्रगल भी देखा है और ये रेड कारपेट भी देखा है, और अभी बहुत ग्रीन ब्लू सारे कारपेट देखने हैं, हर कलर के रेम्बो कारपेट भी देखना है। तो अच्छा लगता है जब अपना भाई आगे बढ़ रहा होता है, प्राउड फील होता है, मैं कह पाता हूँ कि मेरा भाई है, तो मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। जब कहीं RCR की भी बात हो रही होती है तो मैं बोलता हूँ मेरा भाई है। तो साथ में काम करने से लेके, स्ट्रगल देखने से लेके, अभी वो चीज़ें करने से लेके, वो सारी जर्नी हमने साथ में देखी है। एक टाइम था जब हम लोग घर पे बैठते थे, ये सोचते थे कि कैसे करें, क्या करें। तो आज वो घड़ी आ गई है कि कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं। सफर है, मंजिल तो जो है वो तो पता नहीं क्या होती है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। ये हमारी प्यारी सी, क्यूट सी, ब्यूटीफुल एक्टर, इन्फ्लुएंसर, फेमस सोशल मीडिया स्टार हस्तु, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हंसतू हंसते रहती है बस, बात बोली मैंने, लेकिन आनिश गाना नहीं सुना यार, कुछ चंद आवाज से साथ के लाइन। मेरे साथ इतना मंझे हुए रैपर है और आप मेरे से रैप सुनने की कोशिश नहीं, रैप नहीं, आप सुनाओ ना, आपने चुक किया, मैं कुछ यहाँ पे जज कर रही हूँ। मेरे गाने में एक लाइन है कि वो जाती शॉपिंग उसके पैसों पे और देखती साड़ी, मैंने अपने दम पे ले ली खुद की लंबी गाड़ी, कमाए फैंस उसने नाम ना कमा वो पाई, पर अफसोस दानिश की रानी बन ना पाई। तो ऐसा ही कुछ है, देखो सुनो मजा आएगा। बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छे कंसेप्ट, जो वीडियो कंसेप्ट है ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ, उन चीज़ों से बहुत खुश हूँ जो वीडियो कंसेप्ट नए नए लेके आ रहा है लड़का, और बहुत बहुत बधाई मेरे भाई आपको। ये कब हुआ? अरे आई मीन
इतने अच्छे गाने बनाते हैं ना दानिश भाई, आई स्वेयर मैंने जिनके उतने जिनने जितने भी मैंने इनके गाने देखे हैं ना, इट्स ऑलवेज ऑसम एंड समथिंग डिफरेंट. मतलब हर चीज़ नई नई बनाते रहते हो आप. थैंक यू सो मच. मैं वेट कर रहा था कब ये बड़ी हो फिर कब हम बनाए. अभी शायद वो टाइम आ गया है. अब कामयाबी इज ऑल्सो एन अमेजिंग सॉन्ग, अभी अभी मैंने देखा यहाँ पे एंड इट्स ब्यूटिफुल. बहुत बहुत अच्छा इसकी लिरिक्स है, स्टोरी लाइन है और सब लिरिक्स के हिसाब से ही चल रहा है. साड़ी आई तो साड़ी आ गई, गाड़ी आई तो गाड़ी आ गई, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट ऑन पॉइंट. अभी मैं क्या ही बोलूँ, नो कमेंट्स. आप लोगों के बीच जोड़ी है, बड़ी अच्छी लग रही है. तो लग रही है ना अभी सही, अभी शायद वक्त आ गया है हमारा साथ में काम करने का. तो बहुत जल्दी हम प्लान करेंगे फिर. बट Yes, I saw that song. It's amazing, especially the snake on a part is also amazing. जिसमें उनके हाथ ऐसे and then the snake is going, that's also really nice. अच्छा मतलब अच्छा खासा खर्चा किया है वो VFX पे. हाँ बहुत खर्चा हो गया यार, बहुत खर्चा हो गया. अच्छा खासा खर्चा किया है VFX पे. मैं तभी रिक्शा से ट्रैवल करता हूँ. वो ऐसे थोड़ी ना बताना होता, सबके सामने नहीं बोलना होता. ओ शिट शिट, वो रिक्शा थोड़ा प्राइवेट है, प्राइवेट जेट वाला. आजकल बनाया है ना बुगाटी ने रिक्शा, तो खुद का रिक्शा खरीदा ना इसीलिए. हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ हैं, उनको भी हम बुला लेते हैं. करण पाजी हमारे, बहुत बहुत थैंक यू आप आए. और मिस्टर दिनेश सोई जो वन एंड ओनली चार्मिंग डायरेक्टर. हेलो हेलो हाय. मोहित भाई मेरा दोस्त, मेरा भाई. आजा मोहित इधर, आजा इस साइड आजा. ये पूरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा है, इधर आजा. हां आई थिंक सो, हम पूरा एपिसोड ही शूट करके जाएंगे. तो ये मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरे से सीनियर लोग जो अच्छा ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और मुझे सपोर्ट करने के लिए आते हैं, प्यार देने के लिए आते हैं. मैं इनको लेके आ रहा था, ये पता क्या बोल रहे थे, खोपचे में लेके जा रहा था. पता चला इतने सारे लोग हैं यहाँ. मैंने कहा नहीं, खोपचे नहीं, बहुत लोग हैं. खोपचे में मीडिया बाइट्स चल रही हैं. बट गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. और जैसे कि आपके गाने का टाइटल है कामयाबी, हम सब यही प्रे करेंगे कि भगवान अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दें और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे इवेंट्स करते रहें, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाते रहें. और आपकी मैंने अभी रील देखी है वो ब्लू टिक वाली जो बहुत वायरल हो रही है. और क्या कहना चाहेंगे आप जो आजकल मेरी सब्जी वाली दीदी भी ब्लू टिक वेरीफाइड हो गई है, तो आपका क्या कहना है? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ब्लू टिक ले लो. पता है मेरे गाने, मैं भी बता रहा था इन लोगों को कि मैं सोच रहा था इतनी सारी स्टोरी मेंशन हुई है, बहुत सारी. हाँ मैंने खोली, मैंने कहा चलो कोई तो गाने की होगी, ब्लूटिक 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 ब्लूटिक, अभी गाने की क्यों नहीं आ रही है. पता चला मुझे फ़ोन आ रहे हैं मेरे जो दोस्त है कॉमन में, वो बोल रहे हैं भाई यार तुमने क्या वीडियो बना दिया, सुबह से 100 लोग मुझे वीडियो भेज चुके हैं. मैंने कहा क्यों, मैंने भी वेरीफाइड करवाया. और जिन्होंने रिसेंटली वेरीफाइड कराया ना उनके लिए स्पेशल. और आई एम रियली सॉरी इंस्टाग्राम, मैंने हजारों करोड़ का लॉस करवाया आपका, क्योंकि जब से मैंने वीडियो बनाई कोई वेरीफाइड नहीं करवा रहा. नहीं पर मेरी ये शिकायत है इंस्टाग्राम से कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, रीवा हैं, दिनेश जी हैं, ये जिन्होंने बहुत मेहनत करके, मैं हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करके सालों से वो ब्लू टिक कमाया है, तो अगर आप अपने आप को ऐसे बेच देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है. बट इसके लिए आप सब मेरे अब स्नैपचैट आईडी पे आए, वहाँ पे मेरा गोल्डन टिक है. अभी ना एक था साइट इंजीनियर, नो बट ऑन दिस नोट आई थिंक वी शुड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच. कामयाबी करते रहो. थैंक यू मोहित, आपकी बर्थडे से मैं दानिश भाई को बेस्ट विशेस दूंगा, बस कामयाबी सॉन्ग और कामयाब हो और दानिश भाई भी लाइफ में और ज्यादा कामयाब हो. थैंक यू सो मच. योर कामयाबी आज, योर्स कामयाबी एंड वी आर एंजॉयिंग योर कामयाबी सॉन्ग. आई लव यू गाइस, आई लव यू. द कांसेप्ट इज वेरी गुड यार, आई एम एंजॉयिंग योर कामयाबी. थैंक यू सो मच, लव यू. यहाँ पे लोग हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग जो आए हैं प्यार देने के लिए, सपोर्ट के लिए, मैं उन सब की कामयाबी एंजॉय करता हूँ. बट हम आए तुम्हारी कामयाबी एंजॉय करने आज. और जैसा कि मैंने बोला, दानिश भाई हमेशा हर एक इंसान को सपोर्ट करते हैं, पुश करते आगे. जैसा थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटी सी चीज़ बताया, तो अगर हमारी कामयाबी है तो हमारी कामयाबी में वो खुश होते हैं, उनकी कामयाबी में हम खुश होते हैं, और हम एक दूसरे की कामयाबी में
खुश है ना, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड में नहीं, एक दूसरे की नहीं, नहीं भाई तुम लड़कियों तक मत आया करो भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से ध्यान क्यों बोल रहा हूँ। ये इनकी बहुत खराब आदत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी मीट समवन स्नैपचैट पे कभी कोई पर्सनल स्टोरी डाल दिया या गलती से भेज दिया जो ऑडियंस को नहीं दिखाते, एक दूसरे को शेयर करते तो दानिश भाई का पहला मैसेज आता है कौन है क्या करती है। ओए ओए अच्छा ये नहीं बोलना था क्या, नहीं बोलना था, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं, ये ईशान करता है, दानिश भाई नहीं करते, ईशान ईशान करता है, ये मैं और ईशान का, जैसे एंजल के साथ ईशान का एक वीडियो वायरल हुआ था वो वाला सेक्सुअल स्किल्स एंड ऑल, तो ईशान ईशान अच्छा हाँ यही थी वो जो इंटरव्यू ले रही थी। नहीं छोड़ने का आज, कितना पैसा भेज रहे हो आप मेरे को? बस भाई मेरे पास वीडियोज है लोगों के डिटेल्स में, अगर मैं मीडिया को दे दूंगा तो विरल बयानी बुमरा सब हिट है, फिर जितना व्यूज नहीं आया वो वीडियोस पे आ जाएगा, लेकिन वो सेंसर हो जाएंगी, सेंसर बोर्ड बीच में नहीं, तो अपन सिंगल एक्स वाली वीडियोस भेज देंगे ना जो नॉर्मल है, सर्टिफिकेट मिलेगा आमिर की वीडियोस को, ए सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं ऐसा, मेरी वीडियोस को ट्रिपल सेक्स मिलेगा कि डबल सेक्स, हमारी वीडियो मैं जा रहा हूं अंदर भाई, अपन अभी एक अच्छे प्यारे गाने के इसके लिए, तो अपन अभी गाने से रिलेटेड बात करते हैं। ईशान आज आपने एक जो गाना मतलब आदिपुरुष का जो गाना था उसके ऊपर आपने एक वीडियो बनाया सपना गिल के साथ, बड़ा पता काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं यू नो कि आप पे तो गंदे वीडियोस अच्छे लगते हैं यू नो ऑल दैट यू नो मिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान के फैंस देखो यार कितने वीडियोस देखते हैं, सारे सब देखते हैं, सारे देखते हैं, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड ही इज प्लेइंग दैट वीडियो, कम 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 आई थिंक लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि ईशान की वीडियोस बहुत ज़्यादा सेक्सी होती हैं, सिडक्टिव होती है, तो ईशान आज राम क्यों बना? आई थिंक प्योर इंटेंशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, किस इंटेंशन से मैंने वो वीडियो बनाई है, मैं आज राम बना था उस वीडियो में, सो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि प्रभास ने कभी कोई सेक्सी मूवी नहीं बनाई या फिर कृति सैनन ने कभी कोई सेक्सी या सिडक्टिव कॉस्ट्यूम नहीं पहनी है, इवन दे आर प्लेइंग सीता एंड राम इन द मूवी, सो दैट वाज जस्ट एन एक्ट या और इट्स जस्ट फॉर रील्स फॉर प्रमोशन ऑफ द मूवी। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर जजिंग ऑलवेज फॉर माई स्मूचिंग वीडियोज, फॉर माई रोमांटिक वीडियोज, आज अगर मैंने रामायण की वीडियो डाल दी तो भी प्रॉब्लम है लोगों को, सो आई थिंक स्टॉप जजिंग गाइस। लेकिन बहुत सारे केसेस करते हैं, बहुत सारे केसेस ना, वो है ना ये कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, मैं वर्ड नहीं लेना चाहता, बट यस मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं सभी लोगों को, दरिया में डाल, थैंक्स कर दरिया में डाल वाला जो हेटर थे उनको भी दरिया में डाल। शायद कहीं ना कहीं आपके जो फैंस हैं आपके चाहने वाले सीधा साधा इशारा पसंद है, यू नो वेरी बोल्ड एंड यू नो चॉकलेटी काइंड ऑफ इशारा पसंद है, उसमें क्या चीज है? आई लव देम, बहुत ज्यादा प्यार है मेरा उनको, बहुत सारी किसेस उनके लिए, बट खराब हो जाएंगे। ईशान के अंदर एक राम वाली वाइब भी है, सो दैट्स व्हाई आज मैंने वो वाला वीडियो अपलोड करा, एंड थैंक्स टू ऑल जिन सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हम चलो पहले हम पैकअप ये वाला करते हैं, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग अबाउट योर सॉन्ग दानिश, की जो सॉन्ग के बारे में तो बात ही नहीं, जो सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में कहां से आया? इट्स वेरी डिफरेंट, प्रॉपर इंटरनेशनल जो थीम था, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सॉन्ग्स जितने भी आसपास अभी रिलीज हो रहे हैं, उन सॉन्ग से बहुत ज्यादा डिफरेंट था एंड टोटली इंटरनेशनल। मैंने वही बोला ना अभी, वेरी वेरी द आईडिया ही इज ट्राइंग नाउडेज इनोवेटिव स्टफ। अभी जैसे उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि उन्होंने VFX से जो सांप उनके वीडियो में आया था, मैंने वो वीडियो पहले देखा बाद में गाना देखा, exactly. फिर वो एक्चुअल में सेट पे सांप आ गया था, राइट, सेम साइज का, सेम वैसे ही, हां सेम सांप, मैंने वीडियो डाली है वो बस, फिर वायरल। सो एक्चुअली दानिश भाई ने वो वीडियो डाला कि टीआरपी बढ़ेगा, गाने के बारे में लोगों को पता चलेगा, फिर लोग टीआरपी करनी होती ना, मेरे पास इतने प्रमोशनल एक्टिविटीज, यू सी गाइस, मेरे पास मैं डाल सकता हूं, हमारे से शेयर करना चाहोगे क्या? पर्सनली भेज दूं भाई, मैं, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस है रिलेटेड टू दानिश भाई, ईशान भाई और बहुत सारे क्रिएटर्स और एक्टर एक्ट्रेसेस लोग के वीडियोस है, मेरी वीडियो छुपाने का मतलब सारा तो मैंने खुद ही अपलोड कर दिया, फोन्स में खजाने हैं खजाने। चलो अगर मैं आप लोग को ये सारे वीडियोस दे देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा इन रिटर्न? क्या पप्पी? पप्पी भाई बहुत मिलता है हमें, किडिंग किडिंग किडिंग। सो गाना बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग भी पानी वानी पीजिए, कुछ खाइए, गाना देखो, सबको भेजो। अभी हमारी जो इंडिया की जो ऑडियंस है उसका भी दिमाग थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एंड
दानिश बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है गाने में फुल ऑफ इफेक्ट्स, फुल ऑफ इंटरनेशनल वाइब, इट्स वेरी इन नाउ द डेज एंड आई थिंक थोड़ा सा ब्रॉडमाइंड हो जाओ सब लोग और न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो. थैंक यू सो मच. तो आगे चल के बहुत सारे नए नए ऐसे गाने देखने को मिलेगा दानिश का और नए अवतार में. हम वेट करेंगे आप कैसे गाने देखेंगे. ईशान भी है तो कर रहे हैं. नहीं नहीं आप दोनों एक साथ हो एक फ्रेम में हो तो ऐसी कुछ हॉट बातें ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता. आप क्या चाहते हो आपके ना ना मैं वो नहीं वो नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि आपके कोई गाने में थोड़ा वो नहीं चाहता आपके कोई गाने में ऐसा कोई रोमांटिक सीन कभी देखने मिलेगा या थोड़ा रॉन्चीनेस थोड़ा हॉट एंड बस फिर ईशान को बुला लो ना. हो गया हवा हवा भी मेरा साथ दे रही है कपड़े उतार रही है. मैं कन्फेस करता हूँ एक चीज़ आज मैं बहुत रोमांटिक हूँ. मतलब वो 90s वाला रोमांस हाँ तो दानिश भाई के घर पे जब ये हाउस पार्टी होती है ना तो दानिश भाई गिटार बजा के लड़कियों को बहुत इम्प्रेस करता है. बहुत रोमांटिक है. नहीं बहुत केयरिंग भी है. थैंक यू सो मच. तो लेकिन जब ऑन स्क्रीन का नंबर आता है ना कोई लड़की डायरेक्टर बोलता है कि ऐसा रोमांटिक सीन है तो वो लड़की मेरे पास जैसे जैसे आ रही होती है ना और मेरी ना एक्टिंग खत्म हो जाती है. मैं सोचता हूं कि दानिश कैसे होता है जैसे मान लो एक लड़की खड़ी है तो दानिश ऐसे खड़ा हो जाता है फिर लड़की क्या बोलती है पकड़ो ना दानिश कुछ ऐसा कर. आई स्वेयर मैंने अभी एक्स गाना शूट किया था डेजी के साथ तो आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल. हालांकि शी इज़ ब्यूटीफुल शी इज़ हॉट कौन नहीं चाहेगा डेजी के साथ रोमांस करना. और मैं तो मेरे को डेजी आके बोली सुनो बी कम्फर्टेबल होल्ड लाइक दिस ऐसे मैंने बोला ठीक है आई टेक सम टाइम उसके बाद धीरे धीरे मैं कर लूँगा. डोंट वरी गाइस दानिश के एक हफ्ते बाद मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ. अगर ये टीचर मेरा रहेगा तो लड़कियाँ बच के रहना. फिर दानिश भाई के वीडियोस इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे ये सब जगह पे नहीं आएंगे फिर किधर और आएंगे साइट्स पे मिलेंगे फिर डायरेक्ट गूगल पे डायरेक्ट. कौन कौन सी ऐप है आपको पता ही होगा आजकल बोलने की जरूरत आज नहीं होती है. आजा तुम लोग जाओ गंदी गंदी बातें कर लो. चलो थैंक यू गाइस टेक केयर. लव यू गाइस आई लव यू. हमारे भी एक चीज़ मेरे को मालूम पड़ी दानिश भाई का इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के कि उन लोग का एक टेक है वेयर देयर वाज अ स्नेक गोइंग ऑन वो VFX से किया था बट उनके सेट पे एक्चुअल में वो स्नेक आ गया था. ये वीडियो मैंने पहले देखा फिर उसके बाद मैंने पूरा गाना देखा. सो गाना बहुत ही प्यारा है एंड दानिश अल्फाज एज ऑलवेज ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग इनोवेटिव एंड न्यू. सो बहुत अच्छा लगा मेरे को वीडियो देख के. दानिश भाई के साथ मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जब मैं आई स्टार्टेड ग्रोइंग सोशल मीडिया पे तो मैं कुछ रीजंस के वजह से थाने से मेरे मॉम एंड डैड जा रहे थे अंधेरी आ गया था तो अंधेरी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे. तो वो टाइम पे दानिश भाई मिले उनसे दोस्ती हुई और उन्होंने बोला कि मेरे साथ रहो मेरे घर पे जब तक आपका फ्लाइट नहीं मिलता है. सो 2017 से उनको जानते एंड द बॉन्ड वी शेयर इज़ लाइक बड़ा भाई छोटा भाई. ईशान वो ना इसे आपने खुद वीडियो देखा है हर कामयाब इंसान के पीछे ऐसी ही कहानी है. जो भी इस तरह का कहानी रहेगा वो आगे बढ़ेगा एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. मैं सबसे पहले बता दूं जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था ये संभाला करते थे अभी भी संभाल ही रहे हैं. तो हम 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और इन्होंने बहुत मेरा लाइफ मेरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है. आई लव हिम अ लॉट और आज तक ये मतलब वैसे ही उसी तरह से बने हुए हैं. थोड़ा सा मैंने इनको हिला दिया ठीक है. आई लव हिम अ लॉट इनके होने से आई फील पॉजिटिव आई फील आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक. और इसको स्ट्रॉन्ग रहना भी है और सबको आप यही बताओ कि कामयाबी ऐसे ही मिलती है. What he has gone through ना हर किसी को इस तरह से जाना पड़ता है बट ये खड़ा रहा नहीं कि मेरे को काम करना है. आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच सैफ भाई सोहेल भाई वेलकम. थैंक यू सो मच आप लोग आए. तो ये भी बच्चा तो नहीं बोलूँगा मैं ये भी ज़्यादा उनकी भी मेरे से 2-3 साल ही ज़्यादा एज होगी बस तो मैं छोटा भाई बोलूँ अपने आप को इनका. तो ये मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया बहुत सपोर्ट किया है. यू नो आई फील इमोशनल कि ऐसे ऐसे लोग मुंबई में एक अलग शहर में एक दूसरी डिफरेंट सिटी में हैं जो माँ बाप की कमी बड़े भाइयों की कमी सबकी पूरी करते हैं. दानिश का प्यार है
कि उसने हमारे लिए इतने अच्छे अल्फाज बोला। सही बात। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंसान इंसान के लिए जब करता है, जब उसको प्यार इसलिए करता है जब सामने वाला इंसान वैसा हो, तो दानिश ने हम लोगों को कभी भी एक ऐसी कमी महसूस होने नहीं दिया कि वो बाहर का है या वो ये स्टेट का नहीं है। दानिश हमारा है, हमारा अपना है। सो पॉलिटिकली, लीगली और फिल्म वाइज दानिश इज़ फ्रॉम मुंबई एंड महाराष्ट्र, और हमेशा हमारा रहेगा, हमेशा हमारा रहेगा। मैं दानिश से इतना बोलना चाहूँगा कि दानिश हम आपके साथ है इमोशनली भी और लीगली भी, ठीक है? आप टेंशन मत लो, लीगली भी हम आपके साथ हैं। आप लोगों को भी लीगली साथ हो रहा है तो कॉन्टैक्ट। लव यू। जी मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ बहुत अच्छे गाने की। आई वुड लव टू वर्क विद यू। और हम लोग बहुत टाइम से लगे हुए कि यार दानिश के साथ कुछ किया जाए, बड़े ना कुछ ना कुछ आगे पीछे आता, मैं कुछ मूवी साइन कर लेता हूँ या कुछ दो चार वीडियो किसी बाहर के एग्रीमेंट उसमें फंस जाता हूँ, बट आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह कुछ दानिश को मैं देख रहा हूँ किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से अपने आप पर मेहनत कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इनको देख के, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इनके भी सॉन्ग प्रोग्राम और ब्रेक फॉलो कर रहे हैं। आपने अपने ये कामयाबी इनका सॉन्ग का देखा आपने या इनके सॉन्ग आपने देखा है? मैं तो इनका हर सॉन्ग देखते रहता हूँ, इनका आता भी है और मैं कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हर सॉन्ग में कुछ अपडेट होता है। तो ऐसा क्या अगर अगर दानिश का और आपका ट्यूनअप होता है, यू नो फॉर एनी सॉन्ग अगर आप लोग होता है, तो ऐसा कौन सा स्टेप्स जो आप दानिश से यू नो एक डांस स्टेप या कुछ आप एक ट्रेंड में लाना चाहोगे, यू नो जो दानिश पे सूट रोल है? दानिश शर्मिला है, बट हाँ कुछ अगर प्लान करेंगे तो कुछ अच्छा सा रिहर्सल करके, जैसे मैं कोई भी सॉन्ग करता हूँ टी सीरीज के लिए भी, तो 15-20 दिन रिहर्सल करता हूँ ताकि वो आर्टिस्ट उस तक पहुँच सके, क्योंकि आज सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमको क्रिएट करनी पड़ती है। लड़का मल्टी टैलेंटेड है, बस गाने से इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे और डांस वाला करेंगे, पार्टी नंबर करेंगे। फंसा दिया। So how was the song? Have you seen the song? गाने का नाम ही है कामयाबी, तो गाना तो कामयाब होना ही है। और उसमें सिंगर ये दानिश अल्फाज है, तो फिर मतलब मैं क्या हूँ। तो बस गाना तो मैंने सुना, बहुत ही अच्छा है, मुबारकबाद है। ये सब लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है एक साथ सबको बढ़ते हुए देखना, और वो सीनियर तो है ही हमारे यहाँ पे, उनके छोटे भाई हैं, हम ऑलरेडी उनको देख के हम भी फॉलो कर रहे हैं चीज़ें। हाँ। बाकी ये दीपिका बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी जितने सॉन्ग्स ये बना रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, आगे भी बहुत अच्छा अच्छा बनाएंगे, मैं तो चाहूँगी वो बहुत आगे जाए और लोगों को ऐसी अच्छे अच्छे गाने। ये काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये इनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब यू नो कंपोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, और मतलब भगवान की दुआ से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब तारीफ अभी जो मेहनत करते हैं उसकी भगवान सुनते ही है ना। यस, सॉन्ग इज़ अमेजिंग, भाई इज़ अमेजिंग, आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, हम जिम फ्रेंड्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने एक दो बार इनकी आवाज़ सुनी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने इनको इंस्टाग्राम पे देखा तो भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, इनके गाने बहुत अच्छे हैं, और ये कामयाबी सॉन्ग है, तो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट कि इस गाने के बाद और ये कामयाब होते रहे और ये गाना भी बहुत कामयाब हो। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। हम लोग साथ में पुशअप्स मारते हैं जी। सॉन्ग इज़ अमेजिंग एंड दानिश का कोई भी सॉन्ग ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होता, जो भी होता है ना भाई मज़ेदार कंटेंट देते हैं। ये वर्ड मेरे को बड़ा अच्छा लगा। भाई भाई मजाक नहीं कर रहा, मज़ा आ जाता है, मतलब क्वालिटी कंटेंट हो गया, देन सिंगिंग होगी, देन वो होता है ना पूरा मसाला मेहनत करके, वरना आजकल के सॉन्ग्स में क्या होता है यहाँ से सॉन्ग शुरू हो जाता है फिर ख़त्म हो जाता है, कुछ पता नहीं होता स्टोरी क्या है कुछ नहीं, बट दानिश बहुत अच्छे से स्टोरी पे काम करके चीज़ें बना रहा है, बट मज़ा आ रहा है। दानिश भाई के जो गाने हम देखे स्टार्ट में अभी तक जो चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है। हाँ, इसमें भी है। इसमें क्या मैसेज है? इसमें मैसेज है कि सामने वाली बस ब्लेम खेती रही, मैंने उसने सिर्फ शोहरत कमाने के चक्कर में रह गई,
बट भाई अपने ने नाम कमाया, पैसा कमाया, गाड़ी कमाई, सब कुछ कमाया एंड जेन्युइनली बंदा बहुत मेहनत कर रहा है एंड दिल से खुश। थैंक यू सो मच। सबसे मेन चीज तो इसकी अच्छी बात ये रहती है कि इनके सॉन्ग जो भी होते हैं इनकी रियल स्टोरी से कनेक्टेड रहते हैं एक्चुअली, और इसलिए वो लोगों को बहुत टच कर पाते हैं क्योंकि जो उनकी खुद की रियल स्टोरी है तो वो कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं लोग उसको अपने आप से भी कनेक्ट कर पाते हैं और उसको और ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हर सॉन्ग में क्या होता है कोई ना कोई स्टोरी बनाता है, बट इनके सॉन्ग में इनकी खुद की ही स्टोरी होती है। यस, थैंक यू सो मच। अक्षय भाई प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आप गायब हो गए थे बीच में, डायरेक्टर साहब सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे डायरेक्टर साहब को, जो 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 सबसे ज्यादा मचा रहे हैं, मचा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा फ्लैश लाइट्स डिजर्व करते हैं एक्चुअली, जो लाइट के पीछे खड़े होते हैं एक्चुअली, इनकी स्टोरी को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से रियल टेलर से दिखाने का सबसे ज्यादा वो जो एग्जीक्यूशन होता है वो सबसे वेल डिजर्व। हाउ वाज इट एक्चुअली वर्किंग विद यू नो ऑलवेज डायरेक्टर दानिश, तो अब तो आप तो साथ में शूट करना एक फैमिली वाली बात लगती है, हम आज से 7 साल से साथ हैं, सो बड़ा इजी होता है काम। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ हम लोग कभी अगर कभी गर्लफ्रेंड होती या होगी तो डेट पे जाना मिस कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ चिल करना मिस कर सकते हैं, मेरा हाथ छोड़ना कभी मिस नहीं करता, बट वी आर स्ट्रेट, बट हम लोग साथ में शूट करने का जो एक्साइटमेंट हमारा होता है ना दोनों का, मतलब वो एक फ़न होता है कि यार हम साथ में शूट करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो वाइब है ना वो दोस्त वाला, भाई वाला, वैसा वाला है, तो शूट कब शुरू हो जाता है कब ख़त्म हो जाता है मुझे तो पता नहीं चलता, इनको बड़ा पता चलता क्योंकि सेट पे सबसे ज़्यादा मैं तंग इनको करता हूं। अक्षय जी ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिधर आपने इनको डांट लगाई है, जो स्टेप बराबर नहीं कर रहे हो? यही वाला गाना बहुत नहीं, आर्मेनिया में, आर्मेनिया में क्या था ना, आर्मेनिया में हम लोग कंट्री से बाहर थे, हम अलग देश में होते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ऐसा कुछ नया नया, ठंडी ठंडी हवा, अलग माहौल होता है, तो ये थोड़े जनाब ज़्यादा खुश थे, तो मैं अगर बताऊं कि ये चीज़ करना है मुझे कुछ और कर दे या लेट हो जाए या मैं कुछ रील बनाने में बिजी है, फोटो खींचने, मैंने रील वील नहीं बनाई, मैं तो बोलूँगा ना ऐसा लेकिन क्योंकि बाकी सेट्स पर होता है ऐसा ना, दानिश भाई बिजी रहते हैं, सो मैं कलेक्टिव भी एक साथ बता रहा हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हमारी हो जाती है गर्मा गर्मी, लेकिन वो एक कभी नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं, कभी नहीं हुई। वो कैसा होता है दानिश, दानिश के सामने मैं भी उनको पाव दे देता हूँ। अरे बट जहाँ तक हम मिलके जो एक्टिंग करते हैं या डांस स्टेप्स या रैप वगैरह ऐसे कुछ करते हैं कितना डिफिकल्ट है, मतलब डायरेक्टर मेरे ख्याल से बहुत इजी है, दानिश के साथ काम करना इज़ वेरी इजी, वो अपने आप में ना स्किल्ड इंसान है, उसको मतलब बता दो एक बार कि ये चाहिए, सो वो अपने इनपुट डाल के ना उस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होता है काम करना विद दानिश, क्योंकि एक्चुअली ही नोज़ एवरीथिंग हमारा, और हम इतना प्री करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम एक्चुअली सब लिख लिख के तैयारी करते हैं कि इस सीन पर ये करने वाले हैं, तो वो फील ऑटोमेटिकली ना अंदर आ जाती है, तो बहुत आसान होता है काम दानिश का। मेरे को सब जगह ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है आजकल, ब्यूटी कॉमन हो गया तो इसलिए बता रहा हूँ, पता है क्या हुआ गाइस, मैं मेरी स्टोरीज देख रहा था इंस्टाग्राम की, मेंशन करते हैं ना सब लोग, तो मैंने कहा मेरे गाने की मेंशन होंगी, इतनी सारी स्टोरी दिख रही है, मैंने खोली ब्लूटिक मेरी वो वीडियो एक वायरल हो गई, वो हटी नहीं रही है मेरे मेंशन से, ब्लूटिक ले लो ब्लूटिक, नो ब्लूटिक इज अ न्यू ब्लूटिक, तो जो वेरीफाइड नहीं है वो स्टार है, नहीं चाहिए सस्ते नशे नहीं करता, हम सॉरी मैं एक्चुअली नशे ही नहीं करता। चलो थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, कामयाबी गाना आपको और कामयाबी दे, आप ऑलरेडी हो और तरक्की कर रहे हो, सो हैप्पी फॉर यू माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, गाना कैसा लगा? बहुत आला, अमेजिंग माशाल्लाह, हाउ डू यू लाइक इट? लव्ड इट दानिश, मैंने तो आई मतलब तुम खुद से गा के भी तुमने इंस्टाग्राम पे डाला है ना यही गाना। आई थिंक दानिश की बेस्ट पार्ट ये कि सो मच वर्सेटाइल, इनके जितने भी माजी के आप गाने देखेंगे हर चीज़ में डिफरेंट चीज़ लेकर आते हैं, ऑलवेज समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स,
समथिंग कैची, तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने भी मिलता है दानिश से, सो कीप इंस्पायरिंग दानिश। मैं इंस्पिरेशन इधर से लेता हूँ फिर इधर डाल देता हूँ। अरे वाह, ये बहुत आला था। बहुत अच्छी फील आती है एज आई सेड, एंड आई हैव सीन दानिश क्योंकि यू नो कहीं ना कहीं एज इन्फ्लुएंसर्स हमने यू नो जर्नी साथ में स्टार्ट की थी, अब एज एन आर्टिस्ट दानिश इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतने आला दर्जे के सॉन्ग्स ला रहे हैं, मुसलसल सॉन्ग्स ला रहे हैं, सो माशाल्लाह वाओ आई एम सो हैप्पी। एंड जब अच्छे दोस्त अच्छे लोग आगे बढ़ते तो अच्छा ही लगता है ना सर, इट्स लाइक हम आगे बढ़ रहे हो जैसे, सो आई एम वेरी हैप्पी। सर एक तो नाम चेंज करना पड़े मुस्कान, और ये लोग हम लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं और काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, आरुष भी है, तो हम लोगों ने स्टार्ट जब किया था वो दिन भी आज याद है, और आज भी हम अपने लेवल पे स्ट्रगल करके और आगे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम लोग कम मिलते हैं बट प्यार आई थिंक पहले से ज़्यादा बढ़ गए, कम मिलते हैं बट प्यार और भी ज़्यादा है, और मैंने इसको धमकी दी थी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको भी मैंने बोला कि कोई आए ना आए मैं चाहता हूँ तुम लोग वहाँ दिखो, और उसको तो बोल दिया था। और एक्चुअली मैं ज़्यादा लॉन्चेस पर नहीं जाती, वेरी ऑनेस्टली मैं कभी नहीं जाती जब तक मेरा खुद का गाना ना हो, ये नहीं जाती, आई स्वेयर आई डोंट गो, बट आज मेरे लिए आई है, आज इन्होंने बहुत इसरार किया ना, वैसे ऑफ कोर्स आई हैव टू कम टू इसरार, मेरा एक दोस्त है उसे, जी करेक्ट, थैंक यू गाइस, शुक्रिया, थैंक यू, या यस, क्या आप लोगों का केमिस्ट्री फिर से देखने मिलेगा क्या? मुस्कान इज वेरी बिजी, नो दानिश के मैंने बोला है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो जरूर मुझे बताना, बिकॉज मैं और दानिश मतलब ऑफ स्ट्रीम भी इतने अच्छे दोस्त हैं, और ऑन स्ट्रीम भी पता नहीं वो नेचुरली केमिस्ट्री भी आ जाती है, ऐसा लगता नहीं है वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तो वो चीज़ बहुत, और आई थिंक वो चीज़ दानिश से आती है बिकॉज वो हर चीज़ में एकदम ढल जाता है, सना सर नाम भी तब्दील कर दो सब लोग, तो यार सुल्तान से सो आपके फैंस का जो एक्सपेक्टिंग है क्या मुस्कान एंड यू टुगेदर फ्यूचर में फॉर एनी सॉन्ग सोचा है? मैं कल ही सोच रहा था ऑनेस्टली, कल ही मैं सोच रहा था कि टेलीपैथी के अभी बहुत टाइम हो गया मुस्कान और मैं एक बार हम बात कर रहे थे कि यार हम साथ में ही गाने किए जा रहे हैं, हमारे इतने सारे गाने आएंगे सब साथ में ही आए, तुम अलग लड़की ढूंढो मैं अलग लड़का, तो हमारा वैसे वाला डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पे, देन कल मैं सोचा यार अब बहुत ज़्यादा गैप हो गया, अब तो थोड़ा सा वापस आना चाहिए, तड़कता भड़कता धमाकेदार ही कुछ लेके, तो अभी हम बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत तड़कता भड़कता धमाकेदार एस शी सेड वैसा ही गाना बनाने वाला हूँ, पब्लिक डिमांड है तो बनता है, और हमारे जितने भी गाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी गाने हैं सारे ट्रेंडिंग पे, माय फेवरेट इज रफ वाला, तो भी वेरी मेरा फेवरेट है, इवन माइन टू, दिल तूने थोड़ा इज आल्सो मतलब वो तो फर्स्ट था दानिश के साथ, तो वो तो हमेशा ही रहेगा, बट रफ्ता मेरा और दानिश का फेवरेट ज्यादा वो मुझे पता है, नहीं नो मैं सुबह से बहुत बाहर थी, दानिश को पता है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट मैं घर पे आते ही फटाफट आई वाज लाइक फोन में भी देख सकते हैं बट मैंने नहीं टीवी पे ही लगा के देखूंगी, तो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट एज वेल एज एवरीबडी से कामयाबी, तुम हमेशा मतलब बैक टू बैक ही मतलब मम्मी भी बोल रही, मम्मी ने बोला दानिश को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआ है और प्यार देना, तो मम्मी ने दानिश बैक टू बैक दानिश इतने सारे गाने कर रहा है, तो मम्मी ने बोला उसको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट भी करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एज योर सॉन्ग कामयाबी, तुम कामयाबी करते रहो अल्फाज, थैंक यू सो मच। मैं मेरे को मुस्कान की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ना रिस्पेक्ट करती है काम की, तो वो ऐसे नहीं कि ऐसे चलते फिरते, मतलब जैसे इसने बोला घर आके मैंने प्रॉपर टीवी पे देखा, तो ये बात इसके अंदर बहुत अच्छी है कि ये हर आर्टिस्ट की, खाली मेरी नहीं, ये सब लोगों के काम की और आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट बहुत करती है, तभी इतना आगे। थैंक यू सो मच गाइस। जीपे बहुत अच्छा है, मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ अभी से ही, और हिट है, सुपर हिट होगा ये गाना, थैंक यू सो मच। हेलो भाई बोले गाना बहुत अच्छा था, बेस्ट विशेज हमारे भाई दानिश भाई को, थैंक यू थैंक यू, बहुत कामयाबी मिलेगी ये कामयाबी गाने पे, थैंक यू सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।